गल स्टडी वीज़ा दी होनी है यूके दी, कैनेडा दी भी होनी है, US दी होनी है, जर्मन दी होनी है। कि तुसी ऑफ द रिकॉर्ड गल कर रहे सी शो तो पहला कि इस वक्त कैनेडा दा 4-5 दिन तो सक्सेस रेट बड़ा वधिया चल रहा है, जी कोई चेंजेस ने तब्दीलियां की होया की है 4 दिन च? देखो जी, पिछले 4-5 दिन से अगर मैं अपने रिकॉर्ड की बात करूं तो सक्सेस रेट अप्रोक्स 100% चल रहा है, जिसमें कल की डेट में 10 वीज़ा आए हैं और एक बच्चे का रिफ्यूज़ भी है, जी ठीक है। लेकिन 11 में से 10 वीज़ा निकलना, इट्स ए बिग अचीवमेंट। ऐसे ही उससे पहले दिन 7-8 वीज़े हैं, उससे पहले दिन भी 8-9 वीज़ा है, उससे पहले दिन भी सारे वीज़ा हैं, कोई भी एक दिन भी रिफ्यूज़ नहीं, बल्कि कल में एक रिफ्यूज़ है, पिछले 4 दिन में एक रिफ्यूज़ है, सारे वीज़े हैं। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, उन्होंने 1250 वीज़ा ऑफिसर हायर किए हैं, हाईटेक मोड पे वो आ गए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि भाई टाइमली स्टूडेंट्स को उनका क्या नाम है रिजल्ट्स दिया जाए, या जितने भी, चाहे वो PR डाल रखी है, किसी ने इन्वेस्टमेंट वीज़ा डाल रखा है, किसी ने टूरिस्ट वीज़ा डाल रखा है, टाइमली देश के हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कनाडा अगेन बैक है, ऑन ट्रैक है। बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं जी कनाडा बंद हो गया, कनाडा बंद हो गया, कनाडा बंद हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसमें मोर देन 180 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। तो दिस इज़ द कंट्री जहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है, दिस इज़ द कंट्री जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का वार्म वेलकम करता है, दिस इज़ द कंट्री जिसकी GDP इंटरनेशनल एजुकेशन या इमिग्रेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करती है। तो आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हो और कनाडा का अपना सपना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि भी एक जेन्युइन कंसल्टेंट और एक आपका रिलिवेंट कोर्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, साथ साथ में आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एरिया, ये सारी चीज़ें, प्लस में SOP स्टेटमेंट और पर्पज़, ये मैटर करता है। तो नटसल में मैं यही कहूँगा कि पिछले 4-5 दिन से सक्सेस रेट अप्रोक्स 100% चल रहा है। तो आप भी अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो राइट टाइम है, आप अपनी फाइल लगाइए। आप इस परेशान मत होइए कि भाई आपका वीज़ा नहीं आएगा, कहीं आप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक है तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा। तो पिछले 5 डेज में अप्रोक्स 100% हमारा सक्सेस रेट है। जी होर पासे भी तुरंत उस तो पहले से कॉल लेने जी। सत श्रीकाल। हाँ जी सत श्रीकाल जी। हाँ जी की सवाल है जी? जी जाना कितने इन्होंने? क्या इनका क्वेश्चन कर रहे, क्या आवाज कम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर हैगा आइल्स दे विच, मेरे ख्याल एक 7 ने एक 6.5 ने ते दोवां दे विच मेरे ख्याल 6-6 ने। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया बारे पूछना चाहने कि वीजा चांस की ने? नहीं, ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अभी इनका लास्ट ईयर चल रहा है, क्वेश्चन क्या है इनका? सवाल किया तोड़ा जी। ठीक है जी, अब ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद दोबारा फाइल लगाइए, वीजा चांसेस वो है, मेरा आ ख्याल जाइए, रहता है कोई दिक्कत सवाल है नहीं कि है। पिछले रिफ्यूजल का कोई असर तो हाँ, नहीं होगा? इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है, पक्का इम्पैक्ट है। उसके पीछे रीज़न है कि यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट लेवल वीज़ा और रिफ्यूजल पे डिपेंड करता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, तो डेफिनेटली जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ पूछा जाता है कि हैव यू रिफ्यूज फॉर एनी कंट्री। तो जब यहाँ यस आएगा कि मैं इस कंट्री से रिफ्यूज हूँ, तो मोस्टली यूनिवर्सिटी ये चाहते हैं कि एक स्टूडेंट ऑलरेडी रिफ्यूज है, उसको हम दोबारा क्यों लें, दोबारा क्यों लूँ, क्योंकि पहले ही रिफ्यूज़ है, इट मीन्स दोबारा फाइल लगाएगा तो वीज़ा चांसेस कम है, वीज़ा चांसेस कम है तो उनका असेसमेंट लेवल कम आ सकता है। इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस फाइल की फोटोकॉपी है और अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं SOP में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में, और यूनिवर्सिटी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, तो आपका COE दोबारा मिलेगी, दोबारा मिलेगी तो हाई वीज़ा सक्सेस रेट है। अगर मैं आज की बात करूँ, अभी तो आपके छोटे ब्रदर ने 1 साल अभी बाकी है, जो आप बता रहे हैं कि लास्ट ईयर उसका चल रहा है, तो उसको बोलिए कि अच्छे तरीके से एजुकेशन करें, हाई मार्क्स लेकर आए, अच्छी परसेंटेज लेके आए, और उसके बाद दोबारा अप्लाई करें तो चांसेस हैं। इसमें आपको अपनी एनुअल इनकम, अपनी फैमिली की, और फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, किसी एजेंट पर डिपेंड ना हो जी, फंड भी आप करा दो, ठीक है जी, आप वर्क एक्सपीरियंस भी बनवा दो, ITR भी आप ही बनवा दो, ऐसा ना हो। आपके पास एक रेगुलर प्रोसेस में फंड्स होने चाहिए, पूरे इजिली असेसेबल फंड्स होने चाहिए, साथ साथ में आपकी फैमिली की एनुअल इनकम अच्छी हो, और मेजर सब्जेक्ट्स में, लास्ट एजुकेशन में परसेंटेज अच्छी है, तो वीज़ा के चांसेस हाई है। प्रदीप जी, दो देशों की गल होगी, तुसी सारी बड़ी ढंग नाल ऑस्ट्रेलिया बयान करता, कनाडा तुसी दसता, कनाडा बारे दोबारा भी आप आवेंगे। मैं थोड़ी जी ना विद्यार्थियों की गल करनी चाहना, चाहे फंड पक्षों है, एजुकेशन पक्षों है, गैप पक्षों है, नहीं जा पाएंगे,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਯੂ ਐੱਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂ ਐੱਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੈਪ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਯੂਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯੂਰਪ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਪ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਨਤੀ ਹੈ, ਤਬ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਨਤੀ ਜਬ ਤੱਕ ਉਸ ਗੈਪ ਕੋ ਆਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਕਾ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਕਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਚਾਂਸਿਸ ਕਮ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ भी वीज़े नहीं आते, हमने बहुत सारे बच्चों के वीज़ा लिए हैं। लेकिन यूके में गैप को पॉजिटिव मानते हैं। अगर आपने बैचलर और मास्टर्स के बाद अगर आपका गैप है, बैचलर के बाद गैप है, उसमें आपने वर्क किया है, तो वो मानते हैं कि भाई आप डीप रिसर्चर हो, आप रिसर्चर स्टूडेंट्स हो, आपने ऑलरेडी आपको मार्केट का नॉलेज है और आप एक वैसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल पर वहाँ पर सक्सेस हो सकते हो। तो यूके एक कंट्री है जो वेलकम करा है ब्रेग्जिट के बाद, तो पहला ऐसा कंट्री है जो कोविड में ओपन हुआ था। अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा उन्होंने ओपन कर रखा है, मतलब वो कहते हैं कि जी स्टडी के लिए आप आइए, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा जिसमें आपको 70 पॉइंट्स बनाने हैं। 70 पॉइंट्स अगर आपके बन जाते हैं तो यू विल गेट 5 ईयर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा मतलब यू शुड बी स्किल्ड। स्किल्ड कैसे होंगे? आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपके पास परसेंटेज अच्छी होगी, आपने अच्छे नंबरों से पास किया होगा, साथ में आपको रिलेवेंट कोर्स या फिर स्किल्ड जॉब करनी होगी, तो एक लेवल की जॉब होनी चाहिए, दैट इज़ स्किल्ड जॉब। और दैट इज़ मीन्स लाइक स्किल्ड वर्कर वीज़ा कि मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो उसकी कंट्री की इकनॉमी में हेल्प करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो 5 साल का आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा और 5 साल लगातार रहने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, मतलब आप पीआर बोल सकते हैं। इनडेफिनेट का मतलब हिंदी में अनिश्चित काल होता है, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, तो आप परमानेंट रह सकते हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर यू कैन गेट द सिटीजनशिप। तो वेरी सिंपल, 12th बैचलर करे, बैचलर मास्टर्स करे, कंप्लीट करने के बाद 2 साल का ग्रेजुएट रूट में वर्क वीज़ा, उसमें 70 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स, और 70 पॉइंट्स भी मैं बता देता हूँ, 20 पॉइंट तो मिलते हैं जी आपको रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर के पास जॉब करने, मतलब एक लिस्ट है उनकी एम्प्लॉयर्स की, उस एम्प्लॉयर किसी न किसी एक एम्प्लॉयर के पास आपको जॉब करनी होगी तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। जो जॉब हो वो स्किल जॉब हो, 20 पॉइंट उसके हैं। आपको लैंग्वेज एबिलिटी अप्रोक्स 5 बैंड के इक्वल आपको दोबारा टेस्ट देना है सेल्ट का, तो उसमें आपके इक्वल 5 बैंड होने चाहिए, तो 10 पॉइंट उसके हैं। और आपके पास सैलरी पैकेज 25,600 पाउंड का होना चाहिए, 20 पॉइंट उसके हैं, 70 पॉइंट्स हो गए। होम ऑफिस में फाइल देंगे, यू विल ग्रांट 5 ईयर स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और लगातार 5 साल 70 पॉइंट्स आपने मेंटेन रखने हैं, लगातार काम करना है। यू आर एलिजिबल फॉर PR, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, और 1 साल PR के स्टेटस पर रहने के बाद सिटीजनशिप। तो यहाँ पर हर एक बच्चा एलिजिबल है। 12th 6 बैंड नॉलेज देन 5.5, और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 6 नॉलेज देन 5.5 बैंड पर, कुछ यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड नॉलेज देन 5.5 बैंड पे मानते हैं। और मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा जो यूके जाना चाहते हैं, UKVI IELTS करो, UKVI IELTS या UKVI PT करो। प्रदीप जी कॉल जी, हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, की सवाल है जी, जी हाँ जी हाँ जी, सुन रहे हैं जी, थोड़ी बोलिए बोलिए। BSc कंप्यूटर साइंस कदों खत्म हुई है जी? 2022 सर, हां जी, उधर रिजल्ट आ गया, 80% मार्क्स आए हैं। और IELTS में स्कोर कितना? IELTS कर लिया इन्होंने? हां जी, IELTS कितनी है? 6.8 बैंड में। जी जी, कहां से बोल रहे हैं? कितों बोल रहे हैं? कनाडा का सी वीजा लगवाना। कितों बोल रहे हैं जी? मैम देखो, 35 सेक्टर 35 सी चंडीगढ़ में मेरा ऑफिस है, वेस्टर्न ऑफिस के नाम से। आप सुनिए, टीवी पे सुनिए। हेलो, तुसीं जवाब ना टीवी ते टीवी ते सुनो जी जवाब अपना जी। प्रदीप, मेरा ऑफिस है वेस्टर्न ऑफिस का, सेक्टर 35 सी चंडीगढ़, निक बेकर रेस्टोरेंट के ऊपर है। आप वहाँ आइए, पहली बात तो आप अपने डॉक्यूमेंट, अपने भाई के डॉक्यूमेंट या अपने डॉक्यूमेंट, जिसके भी डॉक्यूमेंट है। अब जब आपने बताया कि BSc कंप्यूटर साइंस किया है, मतलब यू आर ग्रेजुएट, उसके बाद आप PG प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, और 6 ईच आपके मार्क्स हैं, मतलब बैंड स्कोर है। देखिए, 6 ईच पे SDS बनता है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, लेकिन 6 ईच पे SDS तो बनता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज PG प्रोग्राम 6.5 बैंड नॉलेज देन 6 पे देते हैं, 6.5 बैंड ओवरऑल और ईच मॉड्यूल 6 एलिजिबल है। क्यूबिक साइड जाओगे, UG टाइप के प्रोग्राम मिल जाएंगे, वहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में भी अप्लाई करोगे, कोई एक दो को छोड़ के, तो 6.5 बैंड की ही रिक्वायरमेंट है नॉलेज देन 6 की।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चा सिक्स ईच ले सकता है, स्टूडेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है, स्टूडेंट बहुत ही कामयाब हो सकता है, बहुत ही कैपेबल पर्सन है, एक अच्छी कोचिंग लेके ये साढ़े छः बैंड नो लेस देन सिक्स भी ले सकता है, और तब फाइल लगाओगे तो हाई वीज़ा सक्सेस रेट रहेगा, और इस पे लगाते हो तो इसमें वीज़ा निकल भी सकता है और इसमें वीज़ा रुक भी सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, पीजी प्रोग्राम कम कॉलेजेस में मिलेगा, कोई आपको प्राइवेट कॉलेज ना दे दे जिसमें वर्क वीज़ा ना हो, ठीक है, वहाँ लगाओगे तो आपका आपकी किस्मत है, वीज़ा आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन जिसमें वर्क वीज़ा नहीं है तो वहाँ फंस जाओगे। तो ट्राई करो साढ़े छः बैंड नो लेस देन सिक्स, अदरवाइज इस पर भी ट्राई करना चाहते हो तो स्टिल हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप मेरे से अगर होनेस्टली से पूछो कि प्रदीप जी आप बताओ कैसे करें, तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर 6.5 बैंड नो लेस देन सिक्स। आप 35C में मेरा ऑफिस है, वहाँ पे आज की कोचिंग ले सकते हैं, हम 7-8 घंटे डेली पढ़ाएंगे, आपका स्कोर आ जाएगा 15-20 दिन के अंदर ही। जी हाँ जी, की सवाल है? हाँ जी हाँ जी, की सवाल है जी? यूके बारे जी? हाँ जी पूछो जी, की पूछना? हाँ जी की पूछना, सवाल की है? स्टडी वीजा दसता प्रदीप जी, द्वारा दस दो एक बार की शर्तों पे लगता है, क्या क्वालिफिकेशन क्या है? दो बार देखिए, चलो प्रोसेस समझ लीजिए आप। जो बच्चा 12th पास होगा वो बैचलर करेगा, जो बच्चा बैचलर है वो मास्टर करेगा। आयल्स की या बात करें तो आयल्स की रिक्वायरमेंट है 6 बैंड नो लेस देन 5.5, और मास्टर्स में कुछ यूनिवर्सिटी 6 नो लेस देन 5.5 पे एडमिशन देती है, कुछ 6.5 नो लेस देन 5.5 पे देती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि UKVI आयल्स या UKVI PT कर ले, अदरवाइज जो अकेडमिक आयल्स है या PT है वो भी चलती है। फी स्ट्रक्चर रहेगा तकरीबन 12-14 लाख रुपये, इसके अलावा आपका IHS है हेल्थ कवर, इसमें आपका तकरीबन 75,000 पर पर्सन पर ईयर का रहेगा, आप जितनी भी एजुकेशन है उस हिसाब से आप 75,000 पर ईयर का है। एम्बेसी फीस है 37,000 रुपये अगर आपने 15 दिन में वीज़ा लेना है, 75,000 अगर 1 वीक में वीज़ा लेना है, 48 आवर में अगर वीज़ा लेना है तकरीबन 16 लाख के आसपास एम्बेसी फीस है। फंड दिखाने इनर लंदन जाना है तो 12.5-13 लाख, आउटर लंदन जा रहा है तो तकरीबन 10 लाख रुपये। जो फंड्स हैं वो एजुकेशन लोन, FD और सेविंग, इस मोड में चल सकते हैं। FD और सेविंग अगर आप दिखा रहे हैं तो वो 28 दिन पुरानी होनी चाहिए, 28 डेज ओल्ड। इसके अलावा जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, सिर्फ 3% स्पॉन्सर कर सकते हैं, चाहे तो स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट के अपने अकाउंट में पैसे हो, या उसकी मम्मी या उसका पापा, इसके अलावा कोई और स्पॉन्सर नहीं कर सकता। ड्यूरिंग स्टडी 20 घंटे काम कर सकते हो छुट्टियों में फुल टाइम, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी बैचलर और मास्टर्स के बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा ग्रेजुएट रूट में, और अगर उसको आगे स्टे करना है तो उसको 70 पॉइंट्स बनाने होंगे, जो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 70 पॉइंट बनते हैं तो उसको 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाएगा, 5 साल लगातार काम करने के बाद ही और सी जो भी स्टूडेंट है इज़ एलिजिबल फॉर इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, मतलब PR के लिए एलिजिबल है, और 1 साल PR के स्टेटस के बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं UK नूं बयान कीता जी। अज साडे कोल इक टॉपिक रह गया कि यूरोप, अगले प्रोग्राम दे विच वेस्टर्न ओवरसीज़ दे नाल जो साडी अगली इंटरव्यू होनी है तो उहदे विच असीं इस वक्त विद और विदाउट आयल्स यूरोप दे विच की किहड़े किहड़े इनटेक ने की चांसिस ने उहदे बारे चर्चा करेंगे। प्रदीप जी शुक्रिया तुसीं स्टूडियो आए, और अच्छा लग्गिया कि सक्सैस रेट बहुत वधिया इस वक्त कैनेडा दा, 1200-1250 वीज़ा ऑफिसर हायर किए ने, प्रोसैस तेज़ होया, हुण तुसीं अपनी PR स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कोई भी पा रहे हो तो रिजल्ट जल्दी आने की संभावना बन गई है। धन्यवाद।